हिंद भारत आपकी अपनी आवाज। नमस्कार, मैं योगेश शर्मा। हैदराबाद में ट्रैफिक पुलिस ने एक ऐसे शख्स को पकड़ा है जिसका 117 बार चलान कट चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि शख्स ने अभी तक एक भी चलान का भुगतान नहीं किया है। शख्स की पहचान फरीद खान के रूप में हुई है और उसके पास स्कूटी है और उसका 30,000 रुपए का चलान बकाया है। फरीद नामपल्ली के पास बिना हेलमेट पहने गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया था और जब ट्रैफिक पुलिस ने उसके पंजीकरण की जांच की तो पता चला कि इसकी गाड़ी पर 29,720 रुपए के 117 बार चलान पहले भी कट चुके हैं। फरीद ने 7 साल से एक भी चलान का जुर्माना नहीं भरा है। पुलिस ने दोपहिया वाहन को जब्त कर लिया है। पुलिस ने फरीद से लंबित चलान का भुगतान कर अपनी बाइक ले जाने के लिए कहा है। फरीद को एक कानूनी नोटिस भी भेजा गया था जिसमें कहा गया था कि वो चलान को भरे नहीं तो उसके वाहन को जब्त करने के लिए आरोप पत्र दायर किया जाएगा। मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार अगर किसी ने 10 से अधिक बार चलान का जुर्माना नहीं भरा तो पुलिस उसके वाहन को जब्त कर सकती है। ई चलान वेबसाइट के मुताबिक फरीद के 2014 से जारी ज्यादातर चलान बिना हेलमेट या गलत पार्किंग के कारण काटे गए हैं। वहीं कुछ चलान बिना मास्क के सार्वजनिक जगहों पर ड्राइव करने के लिए कटे हैं। इसके अलावा कुछ चलान गलत साइड पर ड्राइविंग करने के कारण कटे हैं। पुलिस ने अब फरीद का स्कूटर जब्त कर उसे सारा जुर्माना भरने को कहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हिंद भारत न्यूज के साथ। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें हिंद भारत। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।